Hi, this is Devina Banerji, Mayuri from फ्राम चिड़ियाघर and you are watching समाया Entertainment. Monsoon का नाम जगह जगह के हिसाब से चेंज होता रहता है जैसे मानसून इन कैलकटा में जब तक मैं थी तो ऐसा लगता था so beautiful, बारिश हो रही तो स्कूल की छुट्टी और पढ़ाई छोड़के खिड़की से बाहर देखो it's beautiful. बॉम्बे में मॉनसून uh, मतलब ट्रैफिक जाम क्योंकि रोज़ शूट पे आना पड़ता है और रोज़ फंस जाते हैं पानी में इसमें और हम अभी हाल ही में हम लोगों ने एक मॉनसून एपिसोड शूट किया तो वहाँ पे ऐसा था कि बाहर भी बारिश हो रही है अंदर भी नकली बारिश हो रही है तो हर तरफ बारिश बारिश गीला 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 तो ऐसा लग रहा था मैं कभी सूख ही नहीं रही हूँ हमेशा गीली हूँ तो वो बहुत अच्छा ही अच्छा फीलिंग नहीं था पर अदरवाइज़ अगर घर पर बैठ के मानसून इन्जॉय किया जाए दैट इज़ ब्यूटिफुल मॉनसून में एक जो चीज़ मैं बहुत डेस्परेटली बदलना चाहूँगी वो है पॉट होल्स क्योंकि इतना पानी भर जाता है सड़क पे कि पता ही नहीं चलता कहाँ पे होल है कहाँ पे नहीं है गाड़ी इतना जोर जोर से धाई 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 कर कर के पटकता रहता है तो लगता है गया आज ही मेरा व्हील एकदम फ्लावर जैसे बन जाएगा क्योंकि वो हुआ है मेरे साथ और नई गाड़ी का मेरा जो एक्सल जो होता है टायर के बीच का वो मेटल गोल वो ऐसे फूल 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 टाइप का बन गया था वो गड्ढे में गिर गिर के तो मुझे वो चीज से बिल्कुल भी बहुत ज्यादा नफरत है मानसून अगर इन्जॉय किया जा सकता है तो आई वुड से कि हम बॉम्बे से थोड़ी दूरी में लवासा जा सकते हैं वहाँ पे जाके इंजॉय कर सकते हैं या फिर लोनावला जाके इंजॉय कर सकते हैं या फिर या फिर कलकत्ता में एंजॉय कर सकते बिकॉज वहाँ पे मेरी बहुत सारी चाइल्ड हुड मेमोरीज जुड़ी हुई है और ऑफकोर्स गुरमीत के साथ तो मैं उसको उसको मैं बताना चाहूँगी बरसात में बहुत मन करता है कि खिचड़ी खाए घर पे बैठ के पतली सी मम्मी के हाथ के बनी हुई खिचड़ी और कुछ कुछ फ्राई और कैलकटा में हिलसा फिश जिसको हम इलिश माच बोलते हैं वो बहुत ही फेमस है तो खिचड़ी के साथ इलिश माच फ्राइज लाइक यम्मी या फिर आलू की पकौड़ी या ऐसा कुछ पर आजकल वो सब खाना नहीं होता है पर खिचड़ी तो डेफिनेटली बिकॉज़ पकौड़ी उतना मुझे अच्छा नहीं लगता खिचड़ी एंड इलिश माच फ्राइज मी मुझे बारिश में बहुत सारे आ, गाने अच्छे लगते हैं कुछ स्टुपिड से गाने हैं जो मुझे अच्छा लगता है <laughs> आ, देखो ज़रा देखो बरसात की जड़ी टिंग 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 पल को भी बूंदो की लड़ी चलो कैंसिल करती है गाना याद नहीं है दूसरा गाना आ, टिप टिप बरसा पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है और क्योंकि मैं पूरा गाना गा सकती हूँ जानती हूँ अदवाइज़ uh, रिम झिम गिर सावन, सुलग सुलग खत्म <laughs> मॉनसून uh, में uh, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखना पड़ता है एज़ फार एज़ द फूड इज़ कंसर्न बाहर का खाना मत खाइए घर का बना हुआ खाना खाइए और uh, कहीं पॉसिबल ना हो तो घर से टिफ़िन लेके जाइए बाकायदा और uh, शैम्पू करना मस्ट है ऑलमोस्ट एवरी अदर डे क्योंकि बारिश uh, का पानी सर पे गिरता ही है तो मॉनसून हो या समर हो या विंटर हो स्किन केयर एनर्जी में सेम होनी चाहिए कि बिना मेकअप उतारे या बाहर का फेस धोए कभी सो मत जाइए हमेशा फेस धो के अच्छे से क्रीम वीम लगा के फिर ही सोइए तो आई थिंक ये सारी चीज़ें अगर आप मेंटेन करेंगे हाथ का हाइजीन घर जाके हाथ धो के खाना खाइए तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे तो आप बरसात क्यों साल भर आप फिट और ब्यूटिफुल रहेंगी मानसून uh, के लिए मैं सारे फ़ैंस को ये बोलना चाहूँगी कि बहुत एंजॉय कीजिए मानसून क्योंकि साल में एक ही बार आता है और uh, घर पे बैठ के मानसून देखिए अगर आपके पास मौका है तो और अगर काम पे निकलना है तो uh, uh, फिर फिर भी एंजॉय कर लीजिए बिकॉज uh, गीले होने का uh, यही मौसम है अगर uh, अ, मर्जी हो तो कभी बाहर जाके अच्छे से गीले हो जाइए घमोरिया भी निकल जाएगी ख़त्म <laughs> हो जाएगी